समाजवादी पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने की। बैठक में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई जो इस प्रकार हैं। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने, 2019 के लोकसभा उपचुनाव में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने सहित माह भर चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर पार्टी के महामंत्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहसिन खान, पूर्व प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे, पूर्व विधायक शारदा देवी सहित अन्य पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण मौजूद रहे। ग्रुप न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया, ये हमारी मासिक बैठक है पार्टी की और ये महीने के प्रथम शनिवार को, हर शनिवार को, प्रथम शनिवार को होती है हर महीने। नए हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट हम लोग लेते हैं और मासिक रिपोर्ट हम लोग राज्य अध्यक्ष को भेजते हैं प्रदेश कार्यालय के माध्यम से। ये हमारा एक रूटीन काम इस महीने में जो रूटीन काम हमारे मनाने हैं, जैसे 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाना है, एक काम है। दूसरा काम जो चल रहा है हम लोगों का बूथ पर, एक बूथ पर 10-10 लोगों को बनाने का, तो जिन विधानसभाओं में अभी नहीं बन पाया है उन विधानसभाओं में बनाने का काम होगा। 5 विधानसभाओं में बन गया था जहाँ उपचुनाव होना था, और जहाँ 4 विधानसभाएं जो है उसमें अभी हमारे जो पुराने बने हुए हैं वही उसमें नया बनाए। रहा है अम्बेडकर जयंती, हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती, हम महापुरुषों की जो समाजवादी विचारधारा के महापुरुष रहे हैं, गांधी जी की जयंती, नेताजी की जयंती, हम लोग मनाते रहे हैं और लगातार मनाते आए हैं। तो रूटीन है, उसमें तैयारी पहले हो जाती है, ऐसे कार्यक्रमों की तैयारी भी हो जा रही है।